फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक्सिस बैंक में अपना यूज़र आईडी को कैसे अपडेट किया जाता है या फिर उसे कैसे चेंज किया जाता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो हमारा जो पासबुक पे CIF नंबर होता है या फिर कस्टमर आईडी नंबर होता है उसी का यूज़ करते हैं नेट बैंकिंग में एक्सेस करने के लिए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपना यूज़र आईडी को कैसे अपडेट किया जाता है या फिर उसे कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने इस वीडियो में पूरे लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में और स्टेप बाई स्टेप अच्छे से समझेंगे कि कैसे अपने यूज़र आईडी को अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक्सिस बैंक के नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाना है। जैसे कि हम इसमें हो गए हैं, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि स्नैपशॉट, अकाउंट, पेमेंट, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, फॉरेक्स। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा थ्री डॉट, आपको यहाँ पे थ्री डॉट वाले लाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे अकाउंट के रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, वैसे ही आपको यहाँ पे कार्ड के रिलेटेड भी, पेमेंट के रिलेटेड भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सर्विस के रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, वैसे ही आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, यदि आप क्रेडिट कार्ड या सेविंग अकाउंट को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई के रिलेटेड भी कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वैसे ही यदि आपको कोई हेल्प या फिर सपोर्ट चाहिए तो हेल्प या सपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन और भी मिल जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स में कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो हमें जानना है कि अपना लॉगिन आईडी को कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा चेंज लॉगिन आईडी, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। या फिर यदि आप यहाँ पर नहीं आ पाते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए ऊपर में आपका जो मास्टर आईडी शो हो रहा है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो नीचे से सेकेंड नंबर पे एक ऑप्शन शो होगा चेंज लॉगिन आईडी, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक 9 डेज शो हो जाएगा, यहाँ पे जो भी आपका मास्टर आईडी है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चैनल बोल रहा है कि मतलब आपका जो इंटरनेट बैंक का लॉगिन आईडी है उसी को आप चेंज कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी अपना मनपसंद यूज़र आईडी रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से बना लेना है। इसमें आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना है, सिंपल से अपना नाम डाल सकते हैं या फिर जो भी अपना मनपसंद डिजिट है आपको यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आइए हम यहाँ पे अपना एक बढ़िया सा लॉगिन आईडी बना लेते हैं। जब अपना यहाँ पे यूज़र आईडी बना लीजिएगा, आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मास्टर आईडी शो हो जाएगा, यहाँ पे आपका चैनल में इंटरनेट बैंकिंग बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो नया यूज़र आईडी है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सिंपल सा जो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP गया है उस OTP को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक मैसेज शो हो गया है, यहाँ पे लिख करके यह हुआ है कि योर यूज़र आईडी हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, मतलब मेरा जो यूज़र आईडी है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, अब मेरा जो यूज़र आईडी है वो ये हो गया है। तो ऐसे करके आप भी अपने यूज़र आईडी को चेंज कर पाइएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सिस बैंक के यूज़र आईडी कैसे अपडेट किया जाता है या फिर उसे कैसे चेंज किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए 1 भी रुपया नहीं लगते हैं। और जो भी मैं नया वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा और आप उस वीडियो का भी नॉलेज ले पाइएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए।